अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैफीन्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त। तो चलें इंग्रेडिएंट नोट डाउन करते हैं। प्याज ली है मैंने 3 अदद, जिसको हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून ली है पिसी लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून लिया है पिसा धनिया। अदरक लहसुन का पेस्ट। 250 ग्राम हमने दही लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। क्वार्टर टी स्पून लिया है हमने हल्दी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग के लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें है 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून ली है हमने कलौंजी और 2 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की। ये मसाला जो हम स्टफिंग करेंगे इसको हम एक ग्राइंडर में डालकर इसको हम 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रहना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बारीक अगर कर लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। चलें हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप तेल डाल दिया है मैंने। इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का सा भूनना है, बस हल्का सा, इसमें ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम गोश्त और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर। अब डालेंगे हम इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। नमक डालें टेस्ट के हिसाब से अपने। मसाले को मिक्स करें अच्छी तरीके से। 1-2 मिनट के लिए आप इसको चलाएं ताकि मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दही लिया था 250 ग्राम, दही भी इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करें अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास डाला है। इसमें ये देखें कि आपका गोश्त गल जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें गल जाना चाहिए हमारा गोश्त। इसको कवर करके पकाएंगे। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम अपनी मिर्चें तैयार कर लेते हैं। मिर्चों पे इस तरह के लंबे से कट लगाएंगे। सारी मिर्चों को इस तरह से कट कर लें लंबाई में। ये जो हमारा मसाला है इसमें हम 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। अब हम अपनी मिर्चों में इस मसाले को स्टफ कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लेमन की, बहुत ज़बरदस्त। खट्टा खट्टा ये हमारा मसाला है, अचार गोश्त का मसाला। सारी मिर्चें हमने भर दी हैं। जो मसाला बचिया है ये हम सालन जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर डाल देंगे। अब चेक करते हैं हमारे सालन की क्या पोजीशन है। हमारा गोश्त ऑयल सेपरेट हो चुका है इससे, गोश्त भी गल गया है हमारा। 1.5 गिलास पानी में ये गोश्त अच्छी तरह से गल गया था हमारा। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा पानी की गोश्त नहीं गला है तो आप थोड़ा सा पानी इसको डाल के और पका लें। इसको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट भूने। उसके बाद जो हमने हरी मिर्चें मसाला डाल के रखी थी उसको ऊपर डाल देंगे और ये बाकी का जो मसाला बचा था अचार गोश्त का ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। ओ, ये हमारी
मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं, कितना अच्छा सा कलर आया। अब इसको हम बारीक कटी हुई अदरक के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी